अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल मेंटेन करें तो फिर ये चीज़ ऐसा नहीं होता। तो फिर हम आते हैं कि क्या इसको यानी कि हम लंबा भी कर सकते हैं या कि नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया है कि किस तरह लोग जो है वो लूट मार करते हैं और लोगों के इस कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लॉइट करते हुए खरबों रुपए वो अपनी जेबों में डाल लेते हैं। और इसके जो लंबे करने के तरीके हैं वो भी कुछ अजीब से हैं, कुछ जो है काम करते हैं, कुछ सेफ हैं, कुछ अनसेफ हैं। मसलन कोई एक सर्जरी है वो जो डीप एक उसमें एक अल्लाह ताला ने उसको ग्रिप एक खंबे की तरह नीचे दबा के रखा हुआ है ताकि ये स्टेबल रहे, वो उसी तरह उस खंबे को उखाड़ के ऊपर लगा देते हैं। नतीजा ये निकलता है कि वो आधा इंच एक इंच बाहर तो आ जाता है लेकिन वो हाई इंतहाई अनस्टेबल हो जाता है, यानी कि इंसान का वो वर्किंग का लेवल भी वो उससे वो ख़राब हो सकता है। फिर इसी तरीके से कुछ वो उनमें होता है कि एक पंप होता है, जो पंप जो है वो प्रेशर लगाता है और वो उसमें खिंचाव आता है, खिंचाव से कुछ ना कुछ यानी कि एटलीस्ट उनकी जो हेल्थ है वो अच्छी मेंटेन होती है। इस तरह कुछ मसाजेज हैं, उसको जैकलिन मसाजेज कहते हैं, वो आप इंटरनेट पे जाके उसको पढ़ सकते हैं कि वो कैसे नीचे से ले के ऊपर ऐसे उसको मूव करते हैं हाथ से, तो उससे ये होता है कि वो प्रेशर ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन हमारे पास कोई ऐसी एविडेंस नहीं है कि इससे कोई बहुत ज़्यादा वो बड़ा हो जाता हो, लेकिन कहते हैं कि 100 में से किसी एक को फर्क पड़ भी जाता है। और फिर उसके बाद स्टैंडर्ड्स हैं, पिनाइल स्टैंडर्ड्स जो हैं ये कंपैरेटिवली उनमें उतना मसला नहीं होता कि ये, लेकिन 6-8 घंटे लगा के रखना पड़ता है, डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक लगाना पड़ता है। कुछ लोगों की हम लगाने के अगेंस्ट होते हैं कोई ख़ास वजूहात की वजह से, और समटाइम इसके साथ कुछ अद्वियात देते हैं जो कि उसकी ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं, तो इस तरीके से वो लंबा हो जाता है। तो इसके अलावा लेकिन ये सारे तरीके इसमें पीनल स्टैंडर्ड कंपैरेटिवली कुछ बेहतर है। अब साउथ कोरिया वालों ने एक टेक्निक डेवलप की है, वो हमारे अंदर के स्टेम सेल्स की तरह होते हैं, मायोब्लास्ट वो एक सेल्स का नाम है, वो ले लेते हैं और उसको एक स्टैंड के ऊपर लगा के ग्रो करते हैं। नतीजा ये निकलता है कि वो एक टिशू पीनस का बाहर ग्रो कर लेते हैं और फिर उसको ग्राफ्ट कर देते हैं। यकीनी तौर पे कोरिया एक बहुत एडवांस मुल्क है और उनके साइज भी बहुत छोटा है, उनके में कॉम्प्लेक्स भी बहुत ज़्यादा है, तो वो कंपैरेटिवली वो टेक्निक जो है वो बेहतर तरीके से काम करती है और वो उसके अच्छे रिजल्ट जो हैं वो पाए जाते हैं। लेकिन ये बहरहाल ये बहुत ज़्यादा महंगी है। तो अब मैं जो आपसे बात करना चाह रहा था कि हमें ये देखना है कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ दी है इसको बेहतरीन तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हमें अगर साइज जैसा है इसके मुतालिक आप क्या बंदे को एडवाइस करेंगे? पहली एडवाइस तो ये है कि आप बंदे से कहें कि आप अपने आप को शीशे में देखो, शीशे में देखोगे तो पेट का कोई उसमें रुकावट नहीं आएगी और उसको अपना साइज बड़ा लगेगा। ये भी कहते हैं एक मुहावरा मशहूर है कि इंसान को अपना दिमाग और दूसरे का नफ्स हमेशा बड़ा लगता है, तो जब वही अपना इमेज इंसान देखता है उसके अंदर अपने शीशे में तो वो उसे लगता है कि ये बेहतर हो गया है। फिर उसे इंसान को एक एजुकेशन देनी होती है, जिसे हम कहते हैं कि हाँ भाई तुम्हें नफ्स बड़ा चाहिए क्यों? आप मैंने आपको बताया ताकत मर्दानगी या कुव्वत ये तो इंसान के दिमाग में है सब कुछ, इसके साइज में तो नहीं है जैसे मैंने बताया। अगर ऐसा होता तो आज अंगोला के लोग जो हैं वो सुपर पावर होते, उन जैसा कोई ग्रेट होता ही ना, और कोरिया वाले आज सबके गुलाम होते और नीचे लगे होते, ऐसी बात तो ये है नहीं। असल में लोगों का ये ख्याल है कि अगर साइज लंबा है तो शायद उनकी खवातीन जो है वो उनकी वफादार रहेंगी, उनके वो नीचे रहेंगी। तो उन्हें बताना ये होता है कि जनाब अगर आपने अपनी खवातीन को अपने साथ रखना है, उनसे रहे उनका और वो आपसे इम्प्रेस रहें, तो बेहतर ये है कि आप अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। अब जो परफॉर्मेंस है ये डिपेंड करती है बहुत सारी चीज़ों पर, कि हमें देखना है कि औरत को आप कहाँ से सेटिस्फाई कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको शायद किसी पहली वीडियो में भी बताया है
कि उसका जो क्लिटरस है वो सबसे ज्यादा अहम है, जिसमें वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव फील करती हैं, तो आप वहां पर उसको स्टिमुलेट करें तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो ऑर्गेजम में चले जाएगी, जो क्लाइमेक्स में चले जाएगी, वो कहेगी तुम जैसा बंदा कोई नहीं, तुम जैसा लवर कोई नहीं है। फिर हमने ये भी बताना होता है कि जो औरत की जो वजाइना है, ये भी अंदर से भी अल्लाह ताला ने एक अजीब चीज़ बनाई है कि ये सिर्फ 2.5 इंच का जो एरिया है औरत की वजाइना का, यही सिर्फ सेंसिटिव है, टच सेंसिटिव है। इसका मतलब है कि अगर आप उसमें 7 इंच का भी डाल देंगे तो उसको महसूस एक्चुअली वो 2.5 इंच पे ही होगा, तो सो साइज का तो कोई तल्लक ही ना होगा औरत की सेटिस्फेक्शन और नॉन सेटिस्फेक्शन पे। सेटिस्फेक्शन का तल्लक तो इरेक्शन पे है और उसकी टाइमिंग पे है। आप डॉक्टर से बात करें, अपने कंसल्टेंट से बात करें, अपने थेरेपिस्ट से बात करें कि किस तरीके से आपकी इरेक्शन बेहतर हो, किस तरह आप ज़्यादा टाइम लगा सकें, किस तरह ख्वातीन को आप सेटिस्फाई कर सकें, कैसे आप उसे ऑर्गेज्म पे ऑर्गेज्म दें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके साथ रहे। फिर एक बहुत अहम बात जो बतानी होती है, जो साइज बड़ा है ये स्टैंड होने में ज़्यादा कुव्वत लेता है, यानी कि ज़्यादा इसको ब्लड चाहिए, ज़्यादा जोर चाहिए, तो फिर जाके ये स्टैंड होगा। और जबकि छोटा जो होगा वो जल्दी स्टैंड हो जाएगा और उसको कम कुव्वत चाहिए। सो इसका मतलब है कि छोटा जो है वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा, ज़्यादा लंबा होगा उसका चलने का जो दौरानिया है, बशर्ते कि इंसान का दिमाग ठीक हो, इंसान किसी एहसास शर्मिंदगी में ना हो, एहसास कमतरी का शिकार ना हो, तो छोटा जो है उसकी ज़िंदगी उससे ज़्यादा है जो कि लंबा है और उसने बेहतर जल्दी स्टैंड हो जाना होता है। तो ये बातें इंसान को अगर पता हों तो इंसान, जिसे मैं खपते कोता उसमें तनासल कहता हूँ, ये उससे निकल जाता है। लेकिन ये चीज़ें समझानी कोई आसान नहीं होती। हमारे मरीज़ बहुत बड़े लंबे लंबे लेक्चर्स के बाद भी कहते हैं, डॉक्टर साहब कोई टेक्निक, कोई ऑयल, कोई चीज़ है जिससे ये लंबा हो जाएगा? अभी पिछले दिनों एक रिसर्च हुई, उन्होंने बताया कि ख्वातीन में को उनको पूछा कि तुम कितनी परसेंट ख्वातीन हो जो अपने खांदों के साइज से मुतमईन हो, तो एक बड़ी परसेंटेज 90 से ऊपर ने कहा कि हाँ जी हम सेटिस्फाइड हैं। और फिर उन्होंने बंदों से पूछा कि जनाब आप बताएं आपके साइज की क्या सूरत हाल है, तो उसमें से 43% ने कहा काश कि ये और लंबा हो जाए। यानी कि ये इंसान का जो कॉम्प्लेक्स है ना, इसका जो निकलना है ये बाहर बहुत दुश्वार है। इसको आहिस्ता आहिस्ता इंसान अपनी एजुकेशन के ज़रिए इन चीज़ों को दिमाग से हटा सकता है, वरना लोग जो हैं इसी तरीके से उनको लूटते रहेंगे, सूटते रहेंगे, और इंसान इसके साइज़ को देखते हुए रोता रहेगा, परेशान रहेगा। तो मैंने ये कोशिश की है कि आप लोगों को इस कॉम्प्लेक्स की जो बारीकियां हैं वो बता सकूं और इसके साइज़ के मुतल्लिक आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं ताकि आपके जहन के ऊपर ये बोझ ख़त्म हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये आपको बातचीत जो है ये आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।